नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। देश में इस वक्त सेना को लेकर अलग माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। सियासी पार्टियां अपने अपने हिसाब से सेना का इस्तेमाल कर रही है। कोई अही रेजिमेंट का ऐलान कर रहा है तो कोई सेना के शौर्य का क्रेडिट लेना चाह रहा है। चुनाव में सेना के नाम पर सियासत कौन कर रहा है, शौर्य सेना दिखाती है पर उसको वोट में तब्दील करने के लिए सबकी अपनी सियासी चालें हैं। दीपा, बिल्कुल, सेना के नाम पर जो सियासत होती है शैलेंद्र, उसका सिलसिला थमा नहीं है और ये सिलसिला कोई नया भी नहीं है बल्कि बेहद पुराना है। पार्टियां भले ही कांग्रेस की रही हो, सरकार भले ही बीजेपी की रही हो, लेकिन सेना के नाम पर लगातार सियासत होती आ रही है और चुनावी माहौल है तो ऐसे में सियासत अपने चरम पर है। लगातार हर पार्टियां सेना का नाम लेकर वोट बटोरने की कोशिश कर रही हैं और आज बहस का मुद्दा यही है। आज अखाड़ा में बहस इसी मुद्दे पर होगी और बहस के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका तारुफ करवाती हूं। हमारे साथ विनोद भारती जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, सर आपका बहुत बहुत स्वागत। कपिल श्रीवास्तव है हमारे साथ, प्रवक्ता सपा के, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। संतोष यादव है हमारे साथ, प्रवक्ता आरएलडी, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शैलेंद्र तिवारी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो लगातार शैलेंद्र, क्योंकि सेना के नाम पर जो सियासत होती है उसका सिलसिला बहुत पुराना की शुरुआत नहीं है, क्योंकि चुनावी माहौल है तो इसलिए मुद्दा गर्म हो गया है कि आखिर सेना के नाम पर होने वाली सियासत कब रुकेगी। सवाल यही है कि सेना के नाम पर सियासत कौन कर रहा है, आखिर कोई मोदी की सेना बताकर, कोई एयर रेजिमेंट का ऐलान करके किस तरह का सियासी लाभ लेना चाहता है। सवाल सबसे पहले शैलेंद्र तिवारी जी आपसे करना चाहेंगे, बात भले बीजेपी की हो, बात भले एयर रेजिमेंट की हो, पर आपको क्या लगता है चुनावी सीजन में सेना का सियासी इस्तेमाल हो रहा? देखिए, पार्टी कोई भी हो, मुझे लगता है कि सेना को इससे एक तरफ रखना चाहिए और सेना को इसमें मान लीजिए, क्योंकि सेना वास्तव में असली चौकीदार जो भारत की है वो सेना है। इस पर मुझे लगता है कि ये इसको सियासत में शामिल करना सबसे घिनौना करते हैं, ये मुझे लगता है कि बहुत ही शराशर। ठीक है साहब, यही सवाल है कि सेना का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, पर कपीश जी अही रेजिमेंट का ऐलान कर रहे हैं, आखिर मनसा क्या है, कोर वोट बैंक को साधने के लिए इस तरह की बातें? नहीं शैलेंद्र जी, सबसे बड़ी बात जरूरत क्या है आपको, ऐसा क्यों लगता है कि अही रेजिमेंट की आज की मौजूदा वक्त में जरूरत है? नहीं, वक्त में इसलिए जरूरत है कि देखिए, जाट रेजिमेंट भी हमारे यहाँ है। आपको ऐसा नहीं लगता कि सेना में जाति का विभाजन होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। कि अगर हो रहा होता तो क्या सिख रेजिमेंट होती, क्या जाट रेजिमेंट होती? सबसे बड़ी चीज हमको जानने की यह आवश्यकता है, क्योंकि मैं डिफेंस स्टडी का भी छात्र रहा हूँ, पूरी तरीके से सेना को और रक्षा तंत्र को समझता हूँ। मैं आप सारे लोगों से एक चीज कहना चाहता हूँ, प्रशासनिक रूप से सेनाओं का विभाजन हुआ है, उसी में जाट रेजिमेंट भी है, उसी में सिख रेजिमेंट भी है, उसी में गोरखा रेजिमेंट भी है। और इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ जाट रेजिमेंट में जाटी हैं, सिख में सिखी हैं, सारे धर्मों सारे जाति के लोग उसके अंदर हैं, केवल एक प्रशासनिक नाम दिया गया है। ठीक है, प्रशासनिक नाम है लेकिन इसके नाम पर पॉलिटिक्स क्यों हो रही है? और साहब ये सवाल है कि देश की सेना मोदी की सेना कैसे हो गई, बीके सिंह कह रहे हैं और जो मोदी की सेना कहेगा वो देशद्रोही हो जाएगा। देखिए, मैं आपको पहले तो स्पष्ट कर दूं कि मोदी की सेना कहने पर चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान लिया और इसका स्पष्टीकरण आ चुका है, इसलिए अगर हम उस पर बहस करते हैं तो एक संवैधानिक संस्था का अपमान है। दूसरी बात, मैं आपको जवाब दिया नहीं है सीम। जी बिल्कुल दिया जा चुका है, आप एक बार फिर से उस पर गौर करिए। लेकिन जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं कि अहिर रेजिमेंट की बात हो रही है, वो सेना के मनोबल को गिराने जैसा है कि अगर अब भारतीय सेना में सिख रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, बिहार रेजिमेंट है तो उसके रेजिमेंट बहुत सारी हैं, लेकिन मनोबल कौन गिरा रहा है? क्या जनता ऐसा सोचती है कि सेना का क्रेडिट लिया जा रहा है और जाति के आधार पर अगर रेजिमेंट का निर्माण होगा तो उससे किसी को फायदा मिलने वाला है? बिल्कुल शैलेंद्र, क्योंकि चुनावी माहौल है और ऐसे में अगर सेना का जिक्र होता है, सेना का नाम बार बार लिया जाता है, सेना का पराक्रम बार बार याद किया जाता है तो सवाल उठने लाजमी है। नेताओं ने तो इस पर भरने की कोशिश कर दी कि उन्होंने सियासत नहीं की है सेना के नाम पर, लेकिन जनता क्या कह रही है उनसे जानना बेहद जरूरी है, उनसे रिएक्शन आना बेहद जरूरी है। सेना के नाम पर सियासत हो रही है देश में? देखिए, सेना के नाम पे सियासत नहीं हो रही है और सेना के नाम पे यूं कह सकती हैं आपकी सियासत हो रही है, क्योंकि चंद लोग, क्योंकि मैं एक सैनिक का बेटा हूं, मेरे पिताजी 24 राजपूत रेजिमेंट में थे, उन्होंने बताया कि सेना को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने किया है। इससे विपक्षी पार्टियां कह रहे हैं कि बीजेपी तो राष्ट्रवाद का नाम लेकर राजनीति कर रही है, वोट बटोर रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वन रैंक वन पेंशन कांग्रेस ने काफी समय से लटकाया था, भारतीय जनता पार्टी सेना के नाम। मैं ये पूछना चाहता हूँ नवाजवादियों से कि क्या सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट या जितने भी रेजिमेंट अपने देश में सेना के हैं, क्या उस पे इनको विश्वास नहीं है? ये सिर्फ एक जाति विशेष की राजनीति के लिए इन्होंने ये मुद्दा बनाया है और इनको राजनीति के लिए समाजवादी पार्टी ने मुद्दा बनाया। बिल्कुल, जब इनके सहयोगी दल
कांग्रेस जब कहती है कि ये सेना के जो सैनिक हैं बलात्कारी है, उनके साथ ये समर्थन करते हैं, अब चुनाव के समय इनको यही रेजिमेंट की याद आ रही है। सेना के शौर्य का अगर जिक्र होता है तो सियासी पार्टियों को मिर्ची क्यों लगती है? बात यह है कि कांग्रेस वाले तो आप जान ही रही हैं, सबूत मांग रहे हैं इनसे, बीजेपी वाले आंकड़े दे रहे हैं। आंकड़े किस बिहा पे दिया जा रहा, सामने दिख रहा है कि सैनिक हमारा, जवान हमारा गिरा रहा है गोला। सेना के नाम, सेना के नाम पर बिल्कुल सियासत हो रही है। जिस प्रकार से भाजपा सेना के जवानों के मृत्यु का ढकोसला कर रही है और पब्लिक से वोट बैंक की राजनीति कर रही है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। वोट बैंक की राजनीति कौन कर रहे हैं सेना के नाम पर? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी और बसपा ने हमेशा उत्तर प्रदेश के समीकरण को बिगाड़ने का काम किया है, और जिस तरह से आज इनका बयान आया उससे तो साफ स्पष्ट हो जाता है कि जिस तरह से मोदी जी ने काम किया है आज वह विश्व के पटल पे उनका स्तर बहुत बड़ा हो गया। देखिए, जो भी सेना में रेजिमेंट हैं उनका इतिहास रहा है और वो कहीं ना कहीं इतिहास में उन्होंने युद्ध लड़ा है, चाहे वो जाट राज्य में रेजिमेंट हो चाहे सिख रेजिमेंट हो। जाट राज जो रेजिमेंट है उसके सूरजमल नेता ने, कौन सी पार्टी सियासत कर रही है सेना के नाम पर जी? अब ये बताइए, जात के नाम पर कौन सी पार्टी सियासत कर रही है? देखिए आप, अब खुद देख लीजिए ना, हमें क्यों? आप ये बताइए, जात के नाम पर जो सेना में, बिल्कुल बिल्कुल शैलन, देखिए जनता का भी यही कहना है कि सेना के नाम पर सियासत हो रही है। हालांकि बीजेपी भी लगातार सियासत करती है, बीजेपी भी इससे अछूती नहीं है, लेकिन अब आरोप है कि सपा बसपा ने तो पिछली सरकारों में रहकर यही काम किया, जातिवादी तौर पर बांटा और राष्ट्रवाद के आधार पर भी बांटने की कोशिश। यहाँ पर आरोप लग रहे हैं, भले ही चुनावी सीजन है, संतोष यादव जी आप भी गठबंधन में सहयोगी है, जाट रेजिमेंट का ऐलान किया, यादव रेजिमेंट का यहाँ पर आई रेजिमेंट का ऐलान किया है घोषणा पत्र में, विजन पत्र में, आपको क्या लगता है इसकी जरूरत थी और क्या इससे जातिवादी सोच को बढ़ावा नहीं मिलता? नहीं, मैं उसका समर्थन करता हूं अखिलेश यादव के बगैर। जरूरत थी ऐसी? ऐसी जरूरत है, इस देश में जात के बगैर कुछ हो ही नहीं रहा है, पूरा देश तो जात के आधार पर चल रहा है, लोग जात के आधार पर वोट मांग रहे हैं, जात के आधार पर रेजिमेंट बटे हुए हैं, जात का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जात के आधार पर वजीफा स्कॉलरशिप एडमिशन मिल रहा है, जात के आधार पर नौकरी मिल रही है। सेना में क्यों? सेना में तो ऐसी कभी मांग उठी नहीं। मेरा जो कहना है कि अगर जाट वन रैंक वन पेंशन पे कुछ बता नहीं रहे और अलग से यादव रेजिमेंट की बात कर रहे हैं। यादव रेजिमेंट की बात कोई आज अखिलेश यादव ने नहीं किया है, इससे पहले भारतीय यादव महासभा ने बात की थी, मांग की थी। साल पुरानी हमारी मांग है कि हमारा यादव यदुवंश का जो आदमी है वो सबसे ज्यादा सेना में है, सबसे ज्यादा फोर्स में है। अगर जरूरत थी, अगर मांग थी तो साहब वन पेंशन वन रैंक की भी बात होनी चाहिए, सेना की जो दूसरी मांगे हैं, जो हथियारों की बात है जिस पे देश खड़ा है उस पे चर्चा नहीं, आखिर यही रेजिमेंट की चर्चा क्यों? देखिए, समाजवादी पार्टी और हमारे यहाँ जो गठबंधन के लोग ये तो बहुत पहले से मांग करते रहे हैं कि वन रैंक। आपको ऐसा नहीं लगता कि जब बीजेपी पर जो है यहाँ पर क्रेडिट ले रही थी सेना को, तो आपके ऊपर भी दबाव बना इसलिए इस तरह का ऐलान किया? बीजेपी ने क्रेडिट नहीं लिया है, बीजेपी ने राजनीतिक इस्तेमाल किया है भारतीय सेना का। नरेंद्र मोदी जी की सेना हो सकती है कि भारत की सेना होगी? अगर किसी व्यक्ति के नाम से सेना हो सकती है तो इससे बड़ा लोकतंत्र का कोई उपहास नहीं हो सकता है जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। उपहास कर रहे हैं आप सेना का? जी बिल्कुल नहीं, मैं फिर से आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अगर भारतीय आर्मी में सिख रेजिमेंट है तो सिखों का एक स्वतंत्रता संग्राम में बड़ा संघर्ष रहा है, गुरु गोविंद सिंह ने अपने योगदान रहा है, इतिहास रहा है, पर अपना फ्यूचर बनाने के लिए, राजनीतिक फ्यूचर बनाने के लिए आखिर सेना का इस्तेमाल कौन कर रहा है? जनता क्या सोचती है कि सेना ने तो अपना शौर्य दिखा दिया जब भी जरूरत पड़ी है, लेकिन सियासत अपनी जरूरत क्यों दिखा रही है? सियासत लगातार होती रही है सेना के नाम पर, सियासत होती रही है, कोई भी पार्टी इससे अछूती नहीं है, हर पार्टी ने सियासत किया, कौन कर रहा है सेना के नाम पर सियासत? देखिए, मैं तो बचपन से ये सोचता था कि देश एक है और व्यक्ति एक हो और सेना सबके लिए है, सेना को कभी इस चीज में बांटना नहीं चाहिए। सीएम योगी तो कहते हैं कि मोदी की सेना है, तो उनका गलत, उनकी सोच है, सेना किसी की नहीं, वो देश। सेना किसी की नहीं है, फिर सेना के नाम पर सियासत क्यों? सेना देश की है, सेना किसी की नहीं है, कि सियासत इसमें नहीं हो रही, अपना क्रेडिट कोई इसका नहीं दे रहा। सीएम योगी कह रहे हैं मोदी की सेना है? नहीं, उन्होंने सीएम योगी कह रहे हैं कि मोदी की सेना है? नहीं, मोदी नहीं, देश की सेना है मैडम, कुछ नहीं, मोदी की सेना। देश की सेना है तो आखिर सियासत क्यों हो रही है सेना के नाम? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कर रही है, समाजवादी पार्टी कर रही है सेना के नाम पर सियासत। देश की सत्ता पे जो प्रधानमंत्री बैठा होता है और राष्ट्रपति होता है, सेना उसकी इसलिए बोली जाती है क्योंकि वर्तमान में वो प्रधानमंत्री हैं, इसलिए सेना। बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, क्यों सेना के नाम पर सियासत हो रही है, हर पार्टी कर रही है, इस पे अछूता नहीं, ना समाजवादी पार्टी, ना बसपा और ना ही बीजेपी ना कांग्रेस। भावनाओं का खेल है और देश की जनता
सेना से अपने भावों के संबंध समझती है और इसी को भुनाने की कोशिश यहाँ पर राजनीतिक धड़े द्वारा की जा रही है, जिसको अब चुनाव में प्रमुखता से उछाला जा रहा। पर सवाल यही है कि आखिर सेना का राजनीतिक इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है और हर पार्टी अपने हिसाब से राजनीतिक इस्तेमाल क्यों कर रही साहब? कि यादव रेजिमेंट के जो मुखिया है अखिलेश यादव, ये अभी तक ये बालाकोट में लाशें गिनवा रहे थे, इनको अब रेजिमेंट के साथ इनको बालाकोट भेज देना चाहिए, लाशें गिन के। मैं समाजवादियों से पूछना चाहता हूँ कि जो ये यादव 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 करते जा रहे हैं, अपने 36 में 22 टिकट इन्होंने यादव को दिए, क्या देश में ब्राह्मण नहीं था? इन्होंने केवल एक जात की राजनीति, यही सवाल है कि आखिर जात के नाम पर आधार पर यहाँ पर सेना से सवाल बांटने की राजनीति कब तक करेंगे? देखिए, जात के नाम पर समाजवादियों ने कभी देश को नहीं बांटा है, लेकिन अगर आप जनसंघ का इतिहास उठा लें तो इस देश के विभाजन में सावरकर ने सबसे पहली डिमांड की थी। जनता कह रही कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी लूटने का काम, आपके सेट लोग हैं जो रोज के अखाड़े में आपको दिखाई देते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आपके लोग भी आपको दिखाई नहीं दे रहे। समाजवादी पार्टी ने काम किया, जाति के नहीं, समझ रहे, दोबारा बहुजन समाज पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने लूटने का काम किया। नहीं, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी को शरेंद्र पूछेगा जनता से, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी लूटने का काम करती है तो सियासत अपने आरोप बचाने के लिए जनता पर आ जाती है। पर साहब, क्या जनता ऐसा है, क्या जनता ऐसा ही सोचती है जैसे सियासत सोचती है? जनता को इस समय ऐसा दौर आ चुका है देश में कि देश की एकता और अखंडता पर ध्यान देना चाहिए, मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, जातिवाद की राजनीति बंद होनी, मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। पर सियासत कौन कर, सेना के नाम पे? सर, सेना के नाम पे सेना के सौर को भुनाया जा सकता है क्या राजनीति में? नहीं सर, जितने भी जो देश की सेवा कर रहा है, 42 साल सेवा कर रहा है, अपना तन मन देश की सेवा में अर्पण करे दे रहा है, चाहे सेवा का सेना का जवान हो या एक आम सफाई कर्मचारी हो। क्या कहेंगे साहब, सेना के नाम पे सियासत हो रही? नहीं हो रही सर, ये कांग्रेसी लोग कर रहे हैं, कांग्रेसी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, कांग्रेस सियासत कर रही है? बिल्कुल कांग्रेस, देखिए मैं सपा से और कांग्रेस के प्रवक्ता से एक बात पूछना चाहता हूँ कि देखिए मुद्दों पे क्यों नहीं आते? अब मुद्दों पे लड़े ना चुनाव, देश की सेना पे जिस तरह से आप प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं वो बहुत ही शर्मनाक है। और तो हर किसी पे है, अगर सेना पे कोई प्रश्न चिन्ह उठाता है, चाहे 100 रुपए से आता है, जो वहां पर सीमा पर देश की रक्षा के लिए खड़े हैं, आप उनका अगर सियासत में इस्तेमाल करते हैं तो किसी के लिए भी गलत है। और कांग्रेस से यहाँ पर जनता सवाल करी दीपा कि आखिर विपक्ष जब देश के मामले होते हैं तो आप एक साथ खड़े आते हैं और जब सेना शौर्य दिखा देती है तो आप सवाल करते हैं। बिल्कुल, अगर देश की सेना के शौर्य की गाथा गाती है भारतीय जनता पार्टी, पराक्रम के लिए बोलती है, तो आपको दिक्कत क्यों होती है, तकलीफ आपको क्यों होती है? जी मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं, एक भी नेता ने अगर हमारे कभी भी एयर स्ट्राइक पे प्रश्न चिन्ह उठाया हो, आज आपके सामने इस्तीफा दे दूंगा। रामगोपाल यादव ने क्या कहा? समाजवादी पार्टी ये पूछती है, 45 सुनिए पहले, 45 लोगों की जो शहादत हुई उसमें हमारे सेना करती रही, सेना के ऊपर कोई राजनीति नहीं कर रहा है, अलग अलग पार्टियों पर तो आरोप है, सपा ने किया, बसपा ने किया, कांग्रेस ने किया, सेना को हजार नेताओं के नाम गिना दूं, सेना के शौर्य को भुनाने का प्रयास भाजपा करती है। कांग्रेस के 10 से ज्यादा कांग्रेस के नेताओं के नाम मैं यहाँ पर गिना दूं जिन्होंने सेना के शौर्य पर सवाल खड़े किए थे। प्रथम दृष्टया राहुल गांधी जी ने एकदम स्टैंड लेकर कहा कि सेना के साथ, देश की सरकार के साथ पूरा देश खड़ा है, लेकिन सवाल कौन उठाता है? योगी जी, हरी प्रसाद कौन है, सैम पित्रोदा कौन है, ये सब सारे ये लोग जो सामने, बीके हरी प्रसाद कौन है, बीजेपी के सारे लोग तब आए हैं जब आप आंकड़ा बताने आ गए। अगर बीजेपी वाले सेना के शौर्य की गाथा गाते हैं, सेना के पराक्रम की बात करते हैं तो कांग्रेस को दिक्कत क्यों होती है? इसका जवाब बिल्कुल बिल्कुल दीपा, यही सवाल होना चाहिए कि कभी कभी यहाँ पर जब सेना शौर्य दिखाती है तो साजिश नजर आती है, कभी आप शौर्य के जो है आंकड़े आप पूछते हैं, सबूत मिलते हैं, विदेशी मीडिया का हवाला देके साफ सेना के शौर्य पर सवाल खड़े करना और अब इस तरह से जातिवादी रेजिमेंट को बढ़ावा देना, क्या कहेंगे? देखिए, जो ये बार बार झूठ फैला रहा है कि एक जो 300 बोल रहे थे कि साजिश है, अगर राम गोपाल खुद ही साजिश है, रुजी वो झूठा है, एक नंबर का बोल रहे राम गोपाल बोल रहे तो पार्टी को तोड़वा दिया उन्होंने, पिताजी को अलग करा दिया, चाचा को अलग करा दिया, भतीजा को, सेना के नाम पे क्यों बोल रहे हैं? अरे तो वो देश तोड़ने, जो पार्टी तोड़ सकते हैं वो देश तोड़ने की बात नहीं कर सकता। आज जब सेना को पहली बार पूर्णता सम्मान मिल रहा है तो ये बौखला गए हैं, इनका दिमाग नहीं काम कर रहा। देश की सेना के मोदी की सेना हो सकती है क्या? मोदी की सेना नहीं हो सकती। मोदी का मतलब 130 करोड़ होता है, मोदी का मतलब अगर हम बोलते हैं कि हमारे देश की सेना तो मतलब सिर्फ मेरा नहीं, वो 130 करोड़ की सेना है तो मोदी। बिल्कुल यही सवाल है, जनता यही कह रही है कि साहब देश की सेना होती है और देश का प्रतिनिधित्व अगर पीएम मोदी लेते हैं तो उनके साथ उनका अगर जुड़ाव है, अगर वो कहते हैं तो कुछ गलत नहीं है। पर सवाल ये, विपक्ष इस तरह से क्यों अड़ंगा डालता है, इस तरह से बार बार सवाल क्यों होते हैं दीपा? बिल्कुल, मोदी की सेना मतलब देश की 125 करोड़ जनता, अगर मोदी सेना कह दिया तो आपको इतनी मिर्ची क्यों?
लग गई। देखिए सेना सेना सबकी बाप है, सेना का कोई आका नहीं है। मोदी सेना जब कह दिया तो आपको ये सरासर गलत है। राजनीति से पहले कहते आप लोग न सेना की तारीफ करते हैं, न सेना के बारे में कोई बात करते हैं। देखिए सेना की तारीफ नहीं करते, सेना सेना का शौर्य है, सेना के दम पे आज हम यहाँ खड़े हैं, सेना के दम पे आज आज सेना के खिलाफ बयानबाजी क्यों? सेना के खिलाफ बयान, मेरी बात सुनिए। मिर्ची इसलिए नहीं लगती कि सेना का शौर्य की बात करते हैं। वो कहते हैं मेरठ की रैली में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैंने घुस के पाकिस्तान में मारा है, सेना का नाम नहीं लिया उन्होंने। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैंने घुस के मारा है पाकिस्तान में। भारतीय जनता पार्टी की 2014 में सरकार आने के बाद से लेके और 2019 तक जितने भी सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, आप देख रहे एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक किए कि मोदी ने किए? ये मैं कह रहा हूँ कि ये सेना ने किया है। और जो मोदी को क्रेडिट क्यों, मोदी को श्रेय क्यों? बिल्कुल देखिए मोदी जी ये कह रहे हैं, योगी ने क्यों कहा कि मोदी ने किया? मोदी जी ये कहे हैं कि सेना के शौर्य को सलाम, इस देश की सेना को सलाम। और एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सेना ने पाकिस्तान में घुस के आतंकवाद को साफ किया तो मोदी का श्रेय क्यों? मोदी को श्रेय क्यों? आखिर सरकार यहाँ पर फैसला लेती, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो स्थितियों के आधार पर फैसला लेती, फिर सरकार क्रेडिट क्यों ले सेना का? आज ये इतनी नीचता पे उतर गए समाजवादी बसपा कांग्रेस वाले की बात नहीं सुनिए। जब इनकी समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो इन्होंने आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए बिल लाने का काम किया था। अब ये सेना की बात करते हैं, इनको सेना का साफ बोलने का अधिकार नहीं, इनको शर्म आना चाहिए। अभी तक समाजवादी पार्टी वाले पीछे पड़े हुए थे कि मूर्ति तोड़वाएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे। आज बुआ भतीजे एक हो गए, अब उनको सत्ता में घुसने के लिए नहीं रेजिमेंट की बात कर रही सर। अरे तो ये तो जातवाद शुरू से फैलाते चले आ रहे हैं। देखिए फैला जा रहा है, एक चीज बताऊं, एक चीज मेरा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे भाई साहब खड़े हैं, अहिर रेजिमेंट मानते हो तो दिक्कत क्या है सर? दिक्कत ये है कि सारे जात के लोग, सबका साथ सबका विकास, ये भारत हम लोगों का एक मात्र देश है। इस देश के ऊपर माननीय मोदी जी ने जो करके दिखाया है ये कोई करके नहीं दिखा पाएगा। ठीक है, वो सरकारें करती हैं, पर क्रेडिट प्रवक्ता कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे भाई साहब हैं, मैं उनसे एक प्रश्न करना चाहूंगा कि अगर वो सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते तो उन्होंने मैनिफेस्टो में सेना को कमजोर करने का विषय क्यों उठाया? ठीक है सर, ठीक। मैं जितने भी यहाँ पे प्रवक्ता है विभिन्न दलों के, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि महोदय इस देश में एक संविधान है, फिर जब सेना का जवान देश की सेवा कर रहा है और आप भी देश की सेवा कर रहे हैं, आप पुरानी पेंशन ले रहे हैं और जो अपनी सेवा देश की कर रहा है, अगर सेना की बात हो, सेना के हित की बात हो तो सेना से जुड़े जो मामले हैं उनको यहाँ पर प्राथमिकता पर रखना चाहिए। इस तरह के सवाल नहीं, शैलेन जी जिस तरह से सेना की जो जरूरतें हैं, जो हालात हैं, जो नीतियां हैं उन पे काम होना चाहिए साहब, इस तरह के सियासी सवाल क्यों, इस तरह का क्यों? नहीं, सेना के ऊपर जो इन्होंने बात कही कि बिल्कुल सच है कि सेना की जो पेंशन का मामला है वो होना चाहिए, और उसमें जिस तरह से पेंशन की इन्होंने बात की हम इनकी बात का पूरी तरह से समर्थन करते हैं कि सेना को पेंशन पुरानी मिलनी चाहिए। सेना की जो वन रैंक वन पेंशन में बात चल रही थी जिसपे उन्होंने बात की और सेना को जो है धोखा दिया, मुझे लगता है कि ये सरासर गलत है। सेना के साथ किसी भी तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए, पार्टी वो कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, तो फिर अहिर रेजिमेंट की बात चुनाव के समय क्यों, घोषणा पत्र में जिक्र क्यों? और साहब जिस तरह से जरूरतें थी इससे पहले आप साजिश बता रहे थे, जिस तरह से 100 रुपए सवाल खड़े कर रहे थे, अलग अलग माहौल में अलग अलग मुद्दे क्यों? नहीं देखो, जहाँ पर अहिर रेजिमेंट की आप बात कर रहे हैं तो या तो वहाँ की जातिवादी रेजिमेंट समाप्त कर दी जाए, हिंदुस्तान में हम भी रहते हैं ना, तो या तो जातिवादी रेजिमेंट सब समाप्त कर दिया जाए, हिंदुस्तान की फौज रहे। अगर जाट रेजिमेंट हो सकती है, सिख रेजिमेंट हो सकती है, क्षत्रिय रेजिमेंट होती है, राजपूत रेजिमेंट, तो अहिर रेजिमेंट क्यों नहीं? वो तो इतिहास था ना, इतिहास था, लेकिन फ्यूचर की बात हो रही, और फ्यूचर में आखिर यहाँ पर कौन यहाँ पर सियासत कर रहा है और रेजिमेंट बनाकर किसी जाति विशेष की रेजिमेंट बनाकर आखिर राजनीति चाहती क्या थी? ठीक है, मोदी के पास राष्ट्रवाद के अलावा कोई मुद्दा नहीं है सेना के नाम पर सियासत करती है। देखिए मोदी जी ने विकास किया है, विकास किया तो सेना पर क्यों आकर अटक गई? सेना पे नहीं आके अटकी है सरकार, सेना को सम्मान देने सेना के नाम पर सियासत। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मैं NRI हूँ, मैं अभी इंडिया आया हूँ, जितना मोदी का आने से देश में विदेश में हम लोग की इज्जत बढ़ी है। मोदी के पास सेना के अलावा कोई मुद्दा नहीं? नहीं, मोदी के पास सेना के अलावा नहीं, राष्ट्रवाद के अलावा कोई मुद्दा नहीं मोदी के पास? मोदी के पास मुद्दा है, मेरा सबसे बड़ा सवाल है आज आजम खान जो है, आजम का हमेशा सवाल उठाते रहते हैं सेना को उन्होंने रेप का आरोप लगाया है। और दूसरी बात, आज आजम खान ने योगी जी को नीच बोला है। एक बार मणिशंकर, सेना के नाम पर सियासत कौन सी पार्टी करती है? सेना के नाम पर सियासत कोई नहीं करता, सेना की तारीफ हर करती उसे विरोधी पार्टी उस पर सियासत। मोदी सरकार सेना के नाम पर सियासत करती है कि नहीं? मोदी सरकार सियासत नहीं करती है। मोदी सरकार सेना के नाम पर सियासत करती है? नहीं करती है। मोदी सरकार सेना के नाम पर सियासत करती है कि नहीं? मोदी सरकार सेना नहीं करती। कौन सी पार्टी करती है? सेना का सबसे पहले नाम लिया, सेना
तभी लोग विरोध कर रहे हैं उसका। सहयोगी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और भी लोग हैं, वो कह रहे हैं कि सपा बसपा ने लूटने का काम किया, उसने सबसे ज्यादा सेना के नाम पर किया। सपा बसपा ने हो सकता भ्रष्टाचार किया हो, लूटा हो, अलग बात है, मगर सेना के नाम पर अगर सियासत नहीं करते हैं तो अहिर रेजिमेंट से क्या दिक्कत है? किसमें अहिर रेजिमेंट बनाने में क्या दिक्कत है? वही क्या दिक्कत है ना, अगर जब अगर सियासत नहीं कर रहे तो अहिर रेजिमेंट को लेकर क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है सबसे बड़ी, यही सवाल शैलन, सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर सियासत पार्टी नहीं कर रही है, सियासत बीजेपी नहीं कर रही है, तो अहिर रेजिमेंट को लेकर दिक्कत क्या है बीजेपी वाले? बिल्कुल, सवाल यही है कि आखिर जब सबकी मंशा है, सब देश से अपना जुड़ाव महसूस करते हैं, तो विनोद जी आखिर यहाँ पर परेशानी क्यों? अगर अहिर रेजिमेंट बनती है तो आपको दिक्कत क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने कब कहा कि बननी चाहिए? आपको लगता है अहिर रेजिमेंट की जरूरत है? अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, पूरी होने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का वे हमेशा चाहती है कि सेना चाहते हैं अरेंजमेंट बने, बाप मेरी बात पूरी हो, सेना का जितना मनोबल बढ़ाया जा सकता है उतना बढ़ाया जाए, लेकिन एक जाति विशेष को आगे करके राजनीति। सवाल यह है कि रेजिमेंट बने कि ना बने, आप बताइए। अगर वो अपने घोषणा पत्र में कह रहे हैं तो बने कि ना बने? अगर इस देश में सिख राज रेजिमेंट है, भारतीय आर्मी में सिख रेजिमेंट है, तो सिखों का एक स्वतंत्रता से तो इतिहास था, स्थितियां थी, अब मौजूदा वक्त में भविष्य में आपको लगता है बननी चाहिए? अगर जो है वो पर्याप्त है, और ऐसा सुना बहुत संघर्षपूर्ण। बिल्कुल, मामला अगर यहाँ पर मामला अगर सेना का है, देश की सेवा करने वालों का है, तो आखिर उनको जातिवादी सोच के आधार में खांचे में बैठा कर आखिर सियासत क्यों? दीपक, बिल्कुल, जितना सेना का नाम लेकर सियासत करती है पार्टियां, उतना काम किया होता तो उतनी शहादत नहीं होती कश्मीर में। देश बिकना है बिक जाए, सेना झुकना है झुक जाए, सेना झुकना है झुक जाए। सुनिए तो, अगर सुनिए तो, ये समाजवादी बसपा कांग्रेस, इनको सिर्फ सत्ता में आना है। अगर बीजेपी सियासत नहीं करे तो अहिर रेजिमेंट से दिक्कत क्या है, इसका सवाल? देखिए, दिक्कत जैसे अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को बांटने का काम किया, जाति के आधार पे बांटा, किसने बांटा हिंदुस्तान? अंग्रेजों ने, उसी के राह पे कांग्रेस बसपा सपा चल रही है, धर्म को बांट, अंग्रेजों की राह पर कांग्रेस बसपा और सपा, या ये अंग्रेजों के राह पे कांग्रेस बसपा सपा चल रही है, इसीलिए जातिवाद। सेना को राजनीति में नहीं लाना चाहिए, और सेना को राजनीति में कौन लेकर आया? सेना को राजनीति में कौन लेकर आया? कांग्रेस है। सेना को राजनीति में कौन लेकर आया? सबसे बड़ा राहुल गांधी ने सेना को राजनीति में घसीटा, और इस देश में अंग्रेजों से हटके नया दौर शुरू किया है मोदी जी ने। अगर मोदी जी सेना के नाम पर सियासत नहीं कर रहे तो अहिर रेजिमेंट से दिक्कत क्या है? हम कह रहे हैं कि आज फिर नए नए जब चुनाव का टाइम आया है तो आपको क्यों इतिहास उलट कर रहा है? हम पूछ रहे हैं आपसे, आज उधम सिंह जिंदा होता कांग्रेस सबूत मांगती कि जनरल डायर को मारा कि नहीं मारा? कांग्रेस तो सेना से सबूत मांगने का काम करती है। बिल्कुल, अरे देखिए, फिर मैंने कहा ये सत्ता के लिए कुछ किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। जब इन्होंने कश्मीर में कश्मीर के मुद्दे को देखिए, जिस तरह से महमूदा मुफ्ती ने कहा कि मुझे एक अलग सेना के नाम पर बस सियासत, काम कुछ भी नहीं, केवल सियासत किया है। किसने किया? बीजेपी ने किया कि कांग्रेस ने किया? सपा बसपा कांग्रेस ये सब चोर चोर मोसेरे भाई। चले, जनता जो यहाँ पर है वो तो ये कह रही है कि बीजेपी के अलावा बाकी जितनी भी पार्टियां थी सब ने सियासत की, एक बीजेपी है जो दूध की धुली। बिल्कुल, जब माहौल बनने लगता है, जब चुनाव का वक्त आता है, तो जरूरत के हिसाब से राजनीति होने लगती है, और राजनीति में सेना को भी अछूता नहीं रखा जाता है। पर साहब, सवाल ये कि जो देश का गौरव है, जो देश का सम्मान है, उनके नाम पर सियासत क्यों हो रही? संतोष जी, आपको लगता है इस तरह के मुद्दे चुनाव में उछाले जाने चाहिए? सेना को भी क्या सियासत में शामिल करना चाहिए? सेना को सियासत में नहीं शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन जो मैनिफेस्टो लोगों ने दिया है, चाहे वो जिस साहब वादा कर दिया सीधे जो है अरेंजमेंट का, नहीं, मैंने वादा इसलिए किया कि मैं भी वहां पर शहादत देता हूं, मेरे भी लोग वहां पर मरते हैं, तो मेरा नाम हिंदुस्तान में क्यों नहीं होना चाहिए? क्या मैं विदेश से आया हूं? क्या मैं इंग्लैंड से आया हूं? हिंदुस्तान की धरती पर अगर अहिर पैदा हुआ है तो अपना अगर राइट मांग रहा है, सेना मोदी की सेना हो सकती है? मोदी सेना हो सकती तो अरेंजमेंट क्यों नहीं हो सकती है? बिल्कुल होना चाहिए, अरेंजमेंट होनी चाहिए, और इसकी मांग अभी हुई है और होगी। साहब कपी जी, जिस तरह से मोदी की सेना बता रहे थे सीएम योगी, भले ही यहाँ पे चुनाव आयोग ने उनसे जवाब मांगो, पर आपको लगता है इस तरह से कहना चाहिए चुनाव के वक्त, इस तरह से जिम्मेदार पद पे बैठे हुए लोगों की तरफ से? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोई आम नेता क्या कह रहा है या पब्लिक क्या कह रही है, लेकिन जो संवैधानिक पदों पे बैठे हुए हैं, अगर उनके मुख से इस तरीके की बात आएगी तो देश के अंदर जो पब्लिक है, जिसने बहुत ज़्यादा शिक्षा इन्हीं से ग्रहण कर ली है, वो तो वैसी सोच को रखेगा। संविधान इसके विपरीत बात कहता है, वो कहता है कि नहीं, हिंदुस्तान की सेना होगी, भारत की सेना होगी, किसी व्यक्ति की सेना नहीं होगी। और थल सेना का अध्यक्ष राष्ट्रपति जरूर होता है, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष राष्ट्रपति जरूर होता है, लेकिन प्रधानमंत्री के हाथ में अधिकार नहीं होता। बिल्कुल, विनोद जी, मोदी की सेना क्यों? देखिए, अब मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूँ, अभी हमारे एक प्रवक्ता महोदय ने कहा है कि
अहीरों का भी बलिदान हुआ है भारतीय आर्मी तो में। पूरे देश का बलिदान, हर वर्ग शामिल है, सेना के साथ खड़ा है इस देश के। अभी इस देश कह रहा हूँ जाति क्षेत्र इनके आधार पर आप सेना को विभाजित क्यों कर रहे हैं? इस देश की सेना में सारे जातियों के सैनिक हैं और जो सैनिक है वो किसी जात का नहीं है। इस देश के सैनिक का एक ही जाति है, लेकिन नेतृत्व और सबका योगदान सबका होगा। बिल्कुल, उसके अंदर सारे लोग होने चाहिए, जैसे जाट रेजिमेंट में है, जैसे सिख रेजिमेंट में है, जैसे राजपूताना में है। लेकिन आप मान तो दे दीजिए, कम से कम अहीरों ने सबसे ज्यादा शहादत दी है। इसको शहादत तो सबकी समान होती है, उसमें कम और ज्यादा क्या? शहादत में क्या किसी को कम ज्यादा कहा जा सकता है? केवल सियासी लाभ लेने के लिए ऐसा हो रहा, और कभी सबूत मांगे जा रहे हैं सेना को लेकर, कभी पराक्रम पे सवाल किए जा रहे हैं, साजिश नजर आ रही है किसी को। और अब आई रेजिमेंट की बात, सच तो ये है ने ना किसानों को छोड़ा, किसानों को बांट दिया, गरीबों को बांट दिया, महिलाओं को बांट दिया, भ्रष्टाचार की बात नहीं होती, सबको किनार कर दिया और आ गए हैं कुल मिलाकर सेना पर। इसका जवाब लेते हैं कि आखिर जनता कब तक मूर्ख बनती रहेगी, सेना को कब तक मोहरा बनाया जाएगा, सेना के नाम पर सियासत कब बंद होगी, ये बताइएगा सर, क्या करते हैं आप? सेना हमारी है, हम सेना के हैं, जो भी सेना के ऊपर होगा हम उसका मुकाबला करेंगे। मोदी सरकार क्या कर रही है सेना के? वो राजनीति कर रही है, लेकिन हम कौन राजनीति, कौन देशवासी हैं, हम देशवासी हैं, हम देश के हिंदुस्तानी हैं, ठीक है, हम हिंदुस्तानी हैं, जो सेना करेगी। कौन कर रहा है सेना के नाम पर सियासत? सेना के नाम पर सियासत ये नेता लोग राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस राहुल बाबा नहीं, राहुल बाबा बहुत अच्छे हैं, राहुल बाबा अच्छे हैं, राहुल बाबा अच्छे, मोदी ने राजनीति चली, मोदी जो भी किया है राहुल बाबा ने किया, जो भी किया है राहुल बाबा ने किया, मोदी ने कुछ नहीं किया। खिलाफ एक सेना का आदमी, जो भी किया मोदी ने, जो भी किया मोदी ने किया राहुल बाबा के खिलाफ, सेना का एक फौजी चुनाव लड़ने के लिए उतर गया, इससे ज्यादा क्या दुर्भाग्य हो सकता है? मोदी ने सबसे ज्यादा सेना का नाम लिया, मोदी बिल्कुल। शैलेंद्र आपने देखा, जो भी किया, देखिए जो भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई है उसमें बहुत बड़ी जो तादाद है उसमें लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो किया है बीजेपी ने ही किया, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे राहुल बाबा सबसे यही जनता की बात है, तो जनता का सैंपलिंग भी ले लेते हैं बाद साहब। जिस तरह साथ में है राहुल बाबा, साथ में है, पर सेना के साथ कौन है? सब है, हिंदुस्तानी पूरे साथ में है। फिर साहब ये तो अही रेजिमेंट की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं कुछ नहीं, हम पूरे हिंदुस्तानी साथ में है, पूरे हिंदुस्तानी साथ में सेना के। जी बिल्कुल, पूरे साथ में हिंदुस्तानी, पूरे साथ में है, पूरा हिंदुस्तान सेना के साथ है। और ये चंद नेता जो सेना के ऊपर आरोप लगाते हैं और ये जातिवाद में बांटने का कार्य करते हैं, मैं सोचता हूँ कुछ सेना के साथ पूरे हिंदुस्तान है, लेकिन ये नकाबपोश किसके साथ है सर? नकाबपोश जो नेता है, जो जिनका असली चेहरा अभी सामने आ गया कि यादव को बांट रहे हैं सेना में, दूसरे जातियों को बांट रहे हैं, ये असली चेहरा इनका सामने आ रहा है। देखिए जब जवान देश का शहादत देता है तो उसमें हर जाति के हर धर्म के लोग, मैं तो कह रहा हूँ जो सैनिक शहादत देता है वो ना किसी जाति का होता है ना किसी धर्म का, वो देश का सैनिक होता है और देश की सेना होती है, जाति के आधार पर सेना पे आधार राजनीति नहीं, जाति और धर्म के नाम पर सियासत बीजेपी कर रही है, सेना के नाम पर सियासत होकर नीत के आधार पे जो है ये बॉर्डर पे होता है बीजेपी कर रही है और शहादत पूरा देश। चुनाव करीब है तो क्या ये तरकीब है क्या कि सेना का इस्तेमाल किया जा रहा है, कोई जात के आधार पर रेजिमेंट की बात कर रहा है, कोई 100 रुपए सवाल कर रहा है? ये समाजवादी पार्टी वालों की फितरत है कि ये जात के आधार पर लोगों को बांटा, आप सेना को बांटने का काम कर रहे हैं। फितरत है कि फॉर्मूला है चुनाव में जीतने का। ऐसे यादव ये समझ जाए कि मुस्लिम और यादव से चुनाव नहीं जीते जाते हैं। साहब मुस्लिम और यादव से नहीं जीतेंगे, फिर आखिर जीतेंगे कैसे? क्या सेना पे सवाल करके जीतेंगे? दीपा इस बार आपने सारे वर्ग को बांट दिया, आपने सब किसी को नहीं छोड़ा, सारे वर्ग को बांट दिया, अब आप आ गए सेना पर, सेना को भी नहीं छोड़ेंगे क्या बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी ने किस वर्ग को बांटा, किसको? सीएम योगी ने क्यों कहा कि मोदी की सेना है? सीएम योगी ने जो कहा है उनकी भावना बहुत पवित्र थी, उनकी बातों को तोड़ मरोड़ के परोसा गया है। आप बात पूरी होने दीजिए, योगी जी को किस बातों का संज्ञान चुनाव आयोग ने लिया, उनको सचेत किया है। और ये जान लीजिए भारतीय जनता पार्टी सेना का सम्मान में खड़ी है, महिलाओं के सम्मान में खड़ी है, लोग किसानों की जरूरतों के लिए खड़ी है। और जो लोग एक को तो पालेंगे सीएम योगी को बचा लेंगे, येदियुरप्पा को क्या कहेंगे साहब? सपा बसपा ने सबसे ज्यादा काम किया सेना के नाम पर, सियासत सपा बसपा ने की। देखिए सपा बसपा ने कभी भारत की राजनीति में केंद्र की राजनीति नहीं की है, जो सेना की राजनीति कर लेंगे, राजनीति तो ये कर लें। राम गोपाल यादव के मुद्दे पर आप चुप हो जाओ, सुन लीजिए, ये तो पुलवामा पे जो 45 शहीद हुए उनकी बात नहीं करते हैं। और अगर
इनके कमी के वजह से शहीद हुए हैं, हमारी बहनें जो हैं विधवा हुए, हमारे बच्चे यतीम हुए हैं, अगर उस पर नाकामयाबी पे प्रश्न कोई पूछता है तो उसको ये देशद्रोही करार क्यों देते हैं। दूसरी चीज, ये प्रधानमंत्री को ओबीसी कहते हैं और राष्ट्रपति को कहते हैं कि हमने दलित को कराया है, तो इन्हों यही बांट रहे हैं दलित ओबीसी। सच तो सच तो ये है कि पार्टियां, कोई भी सियासी पार्टी हो शैलेंद्र, सच तो ये है कि पार्टियां बिना जाति धर्म को बांटे, सेना को अलग अलग किए बिना रह नहीं पाते, सेना को भी धर्म और जाति में बांटने का काम सियासी पार्टियां करती है। बिल्कुल दीपा, ये चुनाव का समीकरण है कि सौर को भी अपने में शामिल कर लो और सेना के नाम पर सियासत रच के वोट को अपने पाले में कर लो। पर साहब, ये पाले में लाने की कौन सी पॉलिटिक्स है जो सेना को भी शामिल कर रही है? गलत बात है। आज तक पूछिए देश के अंदर दिवाली और होली में जा करके सरहद पर किसने मनाया? ईद की भी बात करिए ना साहब। ईद के साथ भी ईद भी हमारा है। कलाम साहब को किसने लाया? राष्ट्रपति किसने बनाया? अब क्यों इस बार चुनाव में ऐसा क्यों देखने को मिला? फिर कभी नहीं देखने को मिलेगा, ये सब सियासत करने वाले। सियासत है, ये सब सियासत है। आपने देखा कि राम गोपाल यादव इटावा के, सियासत है कि सस्ती सियासत है? ये बहुत ही सस्ती सियासत है। जाति की बात के आधार पर सेना का कोई मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए। सेना को यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा चुनाव में, सही है? ये गलत है, बिल्कुल गलत है। हमारे जो मोदी जी हैं इस देश के अंदर जातवाद फैला करके इस देश में राज करना चाहते हैं। हम बिल्कुल सवाल ही है। ये दीपा, लंबे समय से हमने देखा अनशन के लिए देश के जवान बैठे रहे, वन पेंशन वन रैंक की बात यहाँ तक कम्प्लीट नहीं हो पाई, और जब चुनाव का वक्त आया तो सौर को बनाने में सियासत की पार्टियां जुट गई। बिल्कुल, और बीजेपी यही काम कर रही है लगातार, क्योंकि सत्ता पर आप है। सवाल आपसे सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे, क्योंकि आपने इस शौर्य के नाम पर खेलने का काम किया, आप लोगों ने सारे मुद्दों को दरकिनार कर दिया, पोटली बनाकर रख दी, और आप आगे सेना के मुद्दे पर यही करते हैं आप लोग। देश भारतीय जनता पार्टी के लिए देश प्रथम है, और जितनी बार आप देख लीजिए 2014 के बाद से लेके आज तक सेना को जितने खुली छूट दी गई आतंकवादियों का, सेना को मोदी सरकार ने खुली छूट दी है, तब जाके वो पाकिस्तान में घुस के आतंकवाद का नाश करके। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये पुलवामा अटैक हुआ तो नरेंद्र मोदी जी का ये बयान था कि हमने सेना को खुली, तो सबूत मांगने वालों के साथ खड़े हो गए आप लोग, तो सबूत मांगने वालों के साथ नहीं लेती है आप लोग, तो सबूत पहले आप पूरी बात लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी ने कहा कि मैंने खुलेआम छोड़ दिया है, लेकिन अब जब वो पुलवामा अटैक हुआ तब उन्होंने किया, सबूत मांगने वालों के साथ क्यों खड़े हैं? सबूत मांगने वालों के साथ क्यों खड़े हैं? मोदी जी का भाषण आपने सुना? साढ़े चार साल उन्होंने सेना के हाथ बांध दिए। साढ़े चार साल बाद जब चुनाव आया तब उन्होंने सेना के हाथ खोले, जब उनके ऊपर अटैक हो गया। तो मोदी जी साढ़े चार साल तक सेना को बंधक बना के रखा है, और जब चुनाव को देखा तो उसका शौर्य बनाने के लिए जब इनके ऊपर अटैक हो गया, 48 सैनिक हमारे मर गए, तब इन्होंने कहा कि मैंने हाथ खोल दिए हैं। इसके पहले इन्होंने हाथ नहीं खोला। आप लोग कपिल श्रीवास्तव, आप लोग कहते हैं कि सेना सबूत दे, सबूत सेना ने दे दिया। हम सबूत नहीं मांगते हैं, हम ये सबूत मांगने वालों के साथ खड़े जरूर होते हैं। सबूत नहीं मांगते, लेकिन सबूत मांगने वालों के साथ खड़े जरूर होते हैं। मैडम, हम सबूत मांगने वालों के साथ नहीं, हम आंकड़े के खिलाफ हैं। जो आंकड़े दे रहे हैं हम उनके खिलाफ हैं। शैलेंद्र, क्योंकि कोई सबूत मांग रहा है, कोई आंकड़े गिना रहा है, आखिर सेना के नाम पर सियासत कब बंद होगी? दरअसल क्या है कि बम्पर छूट के नाम पर यहाँ पर बम्पर वोट पाने की कोशिश है, जिसके लिए तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से स्वांग रच रही है, इस तरह के सियासी समीकरण चाहिए। पर साहब, जिस तरह से सेना का इस्तेमाल किया जा रहा, क्या होना चाहिए इस तरह से सेना को शामिल करना चाहिए चुनाव में? नहीं नहीं, सेना हमारी को किनारे रख के चुनाव अपनी जगह, सेना अपनी जगह, सेना हमारी सौर करती है, उसको हमें अच्छे से आगे करना चाहिए। सेना पे राजनीति, सेना को आगे करना चाहिए, पर राजनीति क्यों नहीं? सेना किसी राजनीति की नहीं, और सेना को आगे भी नहीं करना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया था चुनाव आयोग ने, उसमें सवाल उठाया है, सेना मोदी उनकी नहीं। भैया ये बोलना चाहेंगे, जैसे ये सपा वाले लोग कह रहे हैं कि 45 आदमी, देश का कह रहा साहब, देश का, एक मिनट सुनिए, तो ये बताइए 80 आदमी मुलायम सिंह ने वहाँ पे राम जन्म शहीद करवा दिया, एक सर के बदले 100 सर लाएंगे, और डेली एक मौत हो रही है एक जवान की। 45 लोग अभी पुलवामा वाले में गए थे, और इनके बदले हमको बता दे कितने नंबर पे किया है, देश को चौथे नंबर पे, 300 लोगों को चौथे नंबर पे आज मोदी जी देश को लेकर आए हैं। और आदमी तो मर रहा है रोज सीमा पे। देखिए, सबसे बड़ी एक चीज समझना पड़ेगा, देखिए अखिलेश जी का एक जो बना बचा खुचा समीकरण था, जो वोट बैंक, कहीं ना कहीं वो आज खिसक रहा है, इस वजह से अखिलेश जी मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। सामने वो बता रहे थे नेताजी की 4.5 साल सेना को दबा के रखा, हम 25 साल के युवा है, 20 साल हमने सेना को कुछ करते नहीं देखा, इन 4.5 सालों में बम्पर छूट देके यहाँ पर बम्पर वोट की लूट है क्या?
हाँ बम्पर छूट दे के बम्पर लूट है क्या वोट की? नहीं नहीं बम्पर छूट है, लूट नहीं है कतई वोट की, कोई लूट नहीं है। नहीं नहीं ऐसा नहीं, देश क्या चाहता है, देश की आवाज क्या है, देश की आवाज क्या है, देश की आवाज क्या है? मोदी मोदी सबका साथ, मोदी आएगा। देश की आवाज क्या है इस मामले पर, देश की आवाज क्या है? देश की आवाज, एक आवाज में, एक आवाज में, एक आवाज। लोकतंत्र की लड़ाई, इसमें कोई मोदी मोदी नहीं, इस बार जो है जनता बता देगी, इस बार जनता बताएगी कि असली लोकतंत्र क्या है। सवाल भी यही है, सवाल भी है कि जनता की भावनाएं जो भी हो, पर जरूरत क्या है, क्या इस तरह सेना का राजनीतिक इस्तेमाल किया जाना चाहिए? जी जिस तरह से आपने अभी सवाल जब सौर कहा तो आप साथ में आए थे, उसके बाद सियासी सवाल। देखिए सियासी सवाल इसलिए, ये किसने कहा था योगी जी से बताइए कितने लोग मरे हैं, किसने पूछा था शाह से, किसने पूछा था जेटली से, मीडिया का हवाला, विदेशी मीडिया का हवाला देकर आपके ही नेता ट्वीट कर रहे थे। नहीं किसी ने कोई सवाल नहीं किया, पहले उन्होंने जवाब दिया, जवाब जवाब दोगे बिना बताए बिना पूछे तो आदमी पूछेगा ही भाई सेना ने क्या किया क्या नहीं किया, कोई नहीं पूछ रहा है, जवाब बताओगे कि यूपी की लड़ाई में अब इन्होंने आई रेजिमेंट का दांव खेल दिया, आपको क्या लगता है सही है गलत? देखिए कुल मिलाकर के ये मैंने क्या कहा, सेना को सियासत में लाना नहीं लाना चाहिए। सियासत कर रहे हैं, आई रेजिमेंट का लग रहा है। सेना एक हिंदुस्तान की एक पवित्र पार्ट है, उसको पवित्र पार्ट में पॉलिटिक्स क्यों साहब? देखिए कुल मिलाकर के जो पब्लिक पब्लिक में जो लोग हैं, जो जनता सपा के इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं, आई रेजिमेंट का अगर उन्होंने वादा किया? देखिए हमारा इनका भी एक अपनी जगह वाजिब सवाल है कि जिस तरह से जरूरत है आई रेजिमेंट की, देखिए सुन लीजिए, जरूरत सिर्फ और सिर्फ सेना की है, जरूरत सेना की है, सेना पर सियासत की नहीं है। जरूरत की अगर आप बात पूछते हैं, क्योंकि जरूरत कहीं ना कहीं पूरी तरह से आप आज की तारीख में सेना पे है, सेना के सम्मान में। सबूत क्यों मांगते हैं? सेना के सम्मान सबूत क्यों मांगते हैं? जनता इसलिए सबूत मांगते हैं, लोग आंकड़े देते हैं, सबूत मांगना पड़ता है। जब चोर जब चौकीदार चोर जनता नहीं मांग रही है, सब नेता सबूत मांग रहे हैं, जनता सबूत नहीं मांग रही है। रफाल वाला कल मामला था, मोदी जी कितना झल्ला गए थे रफाल वाले। वाजिब भाई लोकतंत्र में हर तरह के सवाल आते हैं, और साहब जब यहाँ पर सौर पर आप जो है सियासत करने पर कांग्रेस पर हमला बोलते हैं, राफेल पे भी सफाई दीजिए ना साहब। देखिए अगर आज फिर राफेल पे प्रश्न खड़ा होता है तो ये मान लेना चाहिए कि संवैधानिक संस्थाओं की मान्यता को आप खारिज कर रहे हैं। कैग और सुप्रीम कोर्ट ने राफेल के मामले पे क्लीन चिट दिया है, तो मैं ये मान लूं कि आप सुप्रीम कोर्ट और कैग की मान्यता को खारिज कर रहे हैं? सवाल ये है कि यहाँ पर भले ही संवैधानिक संस्थाओं ने क्लीन चिट दी हो, पर अगर जनता की बात है, अगर जनता इन सवालों के जवाब चाहती है तो जिम्मेदार है जो सरकार में है उनको स्थिति स्पष्ट भी करनी चाहिए। पर सवाल ये है कि सेना के नाम पर सियासत कौन कर रहा है, और क्या जरूरत है, क्या जरूरी है, या फिर सियासी मजबूरी है दीपक? बिल्कुल सेना के नाम पर सियासत हो रही है, सेना मोदी की है या फिर सेना खुद में ही काफी है, ये बड़ा सवाल बना हुआ, और इसी का जवाब लेते हैं। मोदी सेना की है कि सेना देश की है? सेना की मोदी की सेना है या फिर सेना देश की है? सेना देश की भी है और सेना मोदी की भी है, हम भी मोदी की सेना है। सब सेना मोदी की है। मोदी की सेना है कि सेना देश की है? सेना देश की है। सेना मोदी की है कि देश की है? देश की है, मोदी की है। देश की है, देश की है, मोदी की भी। मैडम ये जो भाजपा कहती मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, जब 45 शहीद हो गए तो ये चौकीदार सो रहे थे क्या? सेना देश बोलने से पहले अयोध्या में मुलायम सिंह कितने आदमी शहीद करवाए थे? सेना के नाम पर सियासत किसने की, ये जनता से भी आपने सुन लिया, सियासी नेताओं से भी आपने सुन लिया, क्योंकि अलग अलग पार्टियों के नेता यहाँ पर मौजूद, सभी को आपने सुना। सेना के नाम पर बारी बारी से सिलसिलेवार तरीके से हर पार्टी ने सियासत की है, भले ही चुनाव के करीब आती है, सियासी पार्टियां इसको नकार रहे हैं। शैलेंद्र बिल्कुल यहाँ पर सियासत अपने हिसाब से सेना का इस्तेमाल कर रही, पर ये तरकीब जनता में कितनी कामयाब होगी, जनता समझदार है और जानती है कि इस बार चुनाव में किस तरह से इन फरेब का, इन फार्मूले का जवाब देना है। लेकिन फिलहाल आज की बहस में इतना ही, तमाम मेहमानों, तमाम दर्शकों और जनता जनार्दन का बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।